डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत में मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अभ्यास के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में टिक करने हैं। Yeah.
लड़के सुबह निकलता है, पक्षी शाम को लौटते हैं। ये दो एग्जांपल में आप देखो, सूर्य का निकलना और पक्षी का लौटना, उसके लिए निश्चित समय दिया गया है। सूर्य कब निकलता है? प्रातः, प्रातः मतलब सुबह निकलता है। तो जो प्रातः हुआ है वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, पक्षी लौटते हैं, लेकिन कौन से टाइम पे लौटते हैं? तो आंसर क्या आएगा? शाम, शाम होते ही पक्षी अपने घोंसले में लौट जाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल में प्रातः और जो शाम वर्ड है वो दोनों क्या कहलाए जाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल कहलाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। यहाँ जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता का
परिवार हमें क्या दर्शाएगा? क्रिया का माप दर्शाएगा। हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। परिमाण का अर्थ है मात्रा, मात्रा मतलब की माप। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिवार संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, पर्याप्त, अधिक, कम आदि शब्द परिमाण क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको इसमें से एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे मेरी दीदी या मेरी बहन अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे सुंदर है लेकिन कैसे अत्यंत। दूसरा हम देखें पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में बुक है या पुस्तक है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो क्या होंगे? परिमाणवाचक क्रिया के क्रिया विशेषण कहलाए जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर की हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसमें स्वाध्याय जो है अभ्यास, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से कीजिए। इससे पहले मैं क्या करती थी, आप लोगों को जो भी आंसर या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो मैं दे देती थी, लेकिन अब से मैं सिर्फ आंसर आपको बोलूँगी, आपको आपके टेक्स्ट बुक में टिक करने होंगे, क्योंकि ये आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आंसर बोलूँगी, पूरा सेंटेंस बोलूँगी, आप लोगों को आंसर टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखने हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से कीजिए। हमने अभी अभी देखा क्रिया विशेषण और उसके जो 4 प्रकार है वो। अब आपको ये सारे आंसर याद रह जाने चाहिए और आने भी चाहिए। देखते हैं हम पहला, उसके नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पहले खुद आंसर लिखने की कोशिश करना और फिर चेक करना कि मैं जो बोल रही हूँ वो आंसर आपके सही है या नहीं। अगर गलत आंसर हो तो वो आप क्या करना, फिर से करेक्ट कर लेना। पहला है लगातार पानी बरस रहा है, तो पहला आंसर आएगा लगातार। दूसरे में है वह डैश कमरे में आया, आंसर आएगा अचानक, वह अचानक कमरे में आया। तीसरा है डैश चलो देर हो जाएगी, आंसर क्या आएगा जल्दी, जल्दी चलो देर हो जाएगी। चौथा है तुम उठकर डैश क्यों नहीं चले जाते, डैश धूप आ रही है। यहाँ पे दो फ्लक्स है और दोनों में आंसर आएगा तुम उठकर बाहर क्यों नहीं चले जाते। दूसरी में आएगा वहाँ धूप आ रही है, यहाँ पे पहले में आएगा बाहर और दूसरे में आएगा वहाँ। पांचवा है मैं डैश खेलता हूँ, आंसर आएगा यहाँ, मैं यहाँ खेलता हूँ। उसके बाद है हर किसी को डैश अपना काम समाप्त कर लेना चाहिए, क्या आंसर आएगा यथासमय। फिर है डैश दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि डैश डर जाओ, आंसर पहले में आएगा तेज, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे रह जाओ, और दूसरे में आंसर आएगा पीछे। आठवां है मैंने आज डैश खा लिया है, पेट खराब हो गया है, तो आंसर क्या आएगा बहुत, मैंने आज बहुत खा लिया है, पेट खराब हो गया है। नौवां है डैश चलो नहीं तो स्कूल के लिए डैश हो जाएगी, इसका आंसर तो आप ऑप्शन नहीं होगा तो भी लिख सकते हो जल्दी चलो नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। पहले में आंसर आएगा जल्दी और दूसरे में आएगा देर। और लास्ट वाला है डैश टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है एवरीडे, हर रोज, हर रोज टीवी देखने से क्या होता है आंखें खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है प्रतिदिन, तो आपको आंसर में क्या लिखना होगा प्रतिदिन लिखना होगा। एग्जाम में मैं ये भी फिल्म्स में वर्ड चेंज करके भी आपको पूछ सकती हूँ, इसीलिए आंसर सोच समझ के लिखना और इसे याद रखने की कोशिश करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना है और जो ब्लू कलर से वर्ड लिखा हुआ है
क्रिया विशेषण दर्शाने वाला शब्द है वो ही आपको सिर्फ टिक करना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी आप पेंसिल से टिक कर लेना, मैं आंसर के साथ वहां पे आपको बता रही हूँ। जिससे पहला है, ऐसे व्यक्ति लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा। ये सेंटेंस में वहां शब्द दिया गया है जो क्या दर्शाता है, क्रिया विशेषण दर्शाता है। अब हमको चार शब्द से सिलेक्ट करना है कि वहां शब्द वो कौन से टाइप का क्रिया विशेषण है। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक और तीसरा है परिमाणवाचक। सिंपल है, वहां वो एक स्थान को दर्शाने वाला शब्द है, इसीलिए आपका आंसर आएगा क स्थानवाचक। दूसरा हम देखें, मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती है। यहाँ पे ब्लू कलर से शब्द है आज, और आज क्या दर्शाता है, काल समय दर्शाता है, तो आपका आंसर आएगा कालवाचक, ऑप्शन क आएगा। तीसरा है, अत्यधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आए कार पर उपहार लादा गया। यहाँ पे ब्लू कलर से वर्ड दिया गया है कार पर, और कार के ऊपर ये भी क्या दर्शाता है, हमें स्थान दर्शाता है, इसीलिए आपका आंसर आएगा स्थानवाचक, ऑप्शन ख। चौथा है, प्राय कोई ना कोई अनुपस्थित होता। प्राय हमने आगे भी देखा था, ये एग्जाम्पल प्राय प्रातः, प्राय क्या दर्शाता है, समय को दर्शाता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा कालवाचक। पांचवा है, वे राष्ट्रपति भवन के अंदर चले गए। अंदर वो स्थान दर्शक शब्द है, इसीलिए स्थानवाचक आएगा, ऑप्शन ग। छठा है, उनकी मुखाकृति देख ऐसा अनुभव हुआ मानो पहले कहीं देखा। कहीं ये शब्द हमें क्या दर्शाता है, स्थान दर्शाता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख स्थानवाचक। सातवां सेंटेंस है, इस प्रकार वे बहुत कम खाते। कम एक माप है, कम या ज्यादा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख परिमाणवाचक। आठवां है, ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है वह हाल की नीतियों की देन है। यहाँ पे ऊपर ऊपर वो क्रियावाचक विशेषण है, और ऊपर ऊपर वो क्या है, रीति दर्शाता है, उसका ढंग दर्शाता है, इसीलिए इसका आंसर है क रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, बस बार बार रुक जाती थी। बार बार वो भी रीति दर्शाता है, बस का बार बार रुक जाना, बस के चलने का ढंग दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन ग रीतिवाचक वो आपका आंसर होगा। टेंथ है, कंडक्टर उतरा और साइकिल लेकर तेजी से चला गया। तेजी से जाना वो भी रीति दर्शाता है, ऑप्शन का रीतिवाचक। 11वां सेंटेंस, लोग बहुत डरे हुए थे। बहुत ज्यादा या बहुत एक माप दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन का परिमाणवाचक इसका आंसर होगा। 12वां सेंटेंस, उसी समय एक खाली बस आई। उसी समय काल को दर्शाने वाला क्रिया विशेषण है, इसीलिए ये क्या आएगा, ऑप्शन ख कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाया जाएगा। एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी आए। पास वो कालवाचक क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, पास स्थान को दर्शाता है, दूर या पास। उसके बाद आज हम बहुत खेले, बहुत वो माप दर्शाता है, इसीलिए आएगा ऑप्शन ग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट है, अचानक दरवाजा खुला। दरवाजे का खुलना कैसे हुआ है, अचानक, मतलब उसकी रीति दर्शाता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन क रीतिवाचक क्रिया विशेषण। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में टिक करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम